चिल्लाएंगे। ये काटने की बात, ये गाली गलौज की भाषा ये यहाँ पर की गई। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ, दिल्ली का जंतर मंतर। दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ लोगों ने एक विशेष समुदाय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, धमकियां दी और उसके अलावा कुछ ऐसे नारे लगाए जो एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे थे। उन सभी लोगों को दिल्ली पुलिस ने उस वक्त मौके से हटा दिया और उसके बाद अब उन तमाम लोगों पर FIR दर्ज कर ली गई है। इस पूरे मामले पर सबसे पहले तो आप सुनिए नई दिल्ली के DCP दीपक यादव का बयान। एक वीडियो इस तरह का सामने आया है, मुझे भेजा गया है, तो उस वीडियो का हम एग्जामिन उसको करवा रहे हैं और इस विषय में हमने एक FIR दर्ज कर ली है और उसका इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। किन सेक्शन में FIR दर्ज की गई है? थैंक यू। पाकिस्तान में रहना होगा, बल्ले काटे जाएंगे, बल्ले काटे जाएंगे, बल्ले काटे जाएंगे। वहां पर जो नारे लगे हैं, वो नारे लगे हैं कि जब राम राम, जब बल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। ये काटने की बात, ये गाली गलौज की भाषा ये यहाँ पर की गई। और उन्होंने क्या मांग उठाया कि जो है ये जो कानून है, जो ब्रिटिश जमाने के कानून है, विदेशी कानून है, उनको खत्म कर दो, देशी कानून ले आओ। विदेशी कानून से इनका क्या मतलब है? ये हमारे देश के संविधान को विदेशी मानते हैं, उसे खत्म करके मनुस्मृति लाना चाहते हैं जिसमें महिलाओं की गुलामी, दलितों की गुलामी की बात है। नहीं यकीन होता तो सुन लीजिए, इसी दिल्ली, राजधानी दिल्ली के बगल में यति नरसिंहानंद नाम के जो एक ढोंगी बाबा हैं, वो खुलेआम कह रहे हैं कि देश की लड़कियां, देश की महिलाएं बर्बाद हो रही हैं, मुसलमान से दोस्ती कर रही हैं, मुसलमान से प्यार करती है हिंदू लड़की। भाई देश के सारे लोग हैं, दुनिया के सारे नागरिक है, तो इसमें प्यार करने में ये क्या नफरत की बात चले आ रहे हो? प्यार कौन किससे करेगा उसके ऊपर ये नजर, ये कौन होते हैं लगाने वाले? ये कहते हैं ये हमारी बेटियां हैं। भाई हम आप जैसे नफरत की बात की बेटियां नहीं है, हम महिलाएं हैं, देश के आजाद महिलाएं। एक और पॉइंट, अगर सचमुच में इस देश में विदेशी कानून है तो ये सेडिशन का कानून है, राजद्रोह का, ये UAPA है, जिसके तहत हमारी महिला साथी सुधा भरद्वाज, नताशा दिवांगना, सफूरा सरदार, इशरत जहां, ढेर सारी इस तरह की लड़कियां, महिलाएं, ढेर सारे हमारे एक्टिविस्ट साथी, ये सारे लोग आज जेल में बंद हैं, जबकि ये जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, सचमुच में देश को तोड़ने वाले लोग हैं। एक और सेंटेंस, वो सारे खुले घूम रहे। एक आखिरी पॉइंट, एक आखिरी सेंटेंस में कहना चाहती हूँ, एक वाक्य बस इतना ही कि ये सरकार के पास में जब वो कहती है खेती के लिए पैसे नहीं, भाई आपके लिए हजारों लोगों पर इजरायली कंपनी से 1.5 करोड़ पर फोन खर्चा करके पेगासस द्वारा जासूसी कराने के पैसे हैं, लेकिन आपके लिए, देश के किसानों के लिए पैसे नहीं है। प्लीज मैम, देश के कोविड पीड़ितों की जान बचाने के लिए पैसे नहीं है। 40-40 लाख लोग इस देश में कोविड से मरे हैं, उनकी जान रखे विजय सर, उनकी जान बचाने की जिम्मेदारी सरकार की थी। अपनी बात समाप्त करती हूँ यही कहकर के कि देश बचाना हमारा काम है, हम जरूर इस मामले में सफल होंगे। देखना ये होगा कि उन सभी लोगों को कब गिरफ्तार किया जाता है और कब वो सभी लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे कि जिन लोगों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर एक प्रोग्राम में, एक धरने में ये नारेबाजी की है जिसके जरिए एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश की गई है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।